नमस्कार, पारछार समाचारला मी दुसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि पारछ समाचार हे नेहमी माझ्या प्रचारामध्ये अग्रेसर राहिलेले आहेत आणि मीडियाच्या माध्यमातून चांगली भूमिका यांनी बजावलेली आहे, त्याबद्दल त्यांना सुद्धा खूप खूप अभिनंदन। सर्वांसाठी पूर्ण फॅशन मॉल, सर्व वयोगटातील अपवादात्मक श्रेणी, विस्तृत व्हरायटी, श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, सिनी तारका रिंकू राजगुरु सेवन, 18 अक्टूबर रोजी शुभारंभ, श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल अपल्या चंद्रपूर मध्ये, श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल वेडिंग कलेक्शंस, ब्राइडल लहंगास, सारीज, चुड़ीदार, ड्रेस मटेरियल्स, वेस्टर्न वेयर, किड्स वेयर, मेन्स वेयर, 18 अक्टूबर रोजी महा शुभारंभ, श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपूर, महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। जब तक सरकार गैर शिक्षकेतर कर्मचारियों की लंबित मांगों को मान नहीं लेती, संगठना हड़ताल वापस नहीं लेगी, ऐसा निर्णय लिया गया है। इसके लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय के कर्मचारी सहयोग करें, ऐसी अपील कॉलेज नॉन टीचिंग स्टाफ फेडरेशन के महासचिव और सेवक ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुख्य सलाहकार डॉक्टर आर बी सिंह ने की है। चंद्रपुर गढ़चिरौली जिला महाविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ की ओर से सरकार पटेल महाविद्यालय चंद्रपुर में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। महाराष्ट्र राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेज कर्मचारी संयुक्त कार्यवाही समिति ने गैर शिक्षण कर्मचारियों के लंबित मुद्दे को लेकर संयुक्त कार्यवाही समिति के राज्यव्यापी आंदोलन के मद्देनजर विदर्भ में सभी गैर शिक्षण कर्मचारियों का मार्गदर्शन करने के लिए 20 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया। इस बार महाराष्ट्र राज्य कॉलेज नॉन टीचिंग स्टाफ फेडरेशन के अध्यक्ष राजा बड़े, उपाध्यक्ष प्रमोद बेज, सरदार पटेल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर स्वप्निल माधम शेट्टीवार, प्रदेश संगठन पदाधिकारी चंदर पांडे, उमेश पाटिल, भंडारा जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सहारे, संजय समृत, प्रभाकर कुठे, रामचंद्र निखाड़े, कार्य समिति के पूर्व सदस्य गजानन काले, पुंडलिक ठेंगरे, राममोहन, विनोद चोपावार, लोमेश दर्डे आदि मौजूद थे। इस मौके पर सरदार पटेल कॉलेज के उपप्राचार्य डॉक्टर स्वप्निल माधम शेट्टीवार ने प्राचार्य की ओर से गैर शिक्षण कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करते हुए गैर शिक्षण कर्मचारियों से एकजुट रहने की अपील की। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद बुटगे ने कहा कि तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत अपनी बात से मुकर गए, इसलिए उन्हें फिर से हड़ताल पर जाना पड़ा, जबकि प्रदेश अध्यक्ष बड़े ने आश्वासन दिया कि न्याय की मांग के अलावा उनका संगठन प्रयास कर रहा है शिक्षकेतर कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरा जाए। मी माझ्याकडे 10,000 रुपये नव्हते, माझ्या मिसेजला विचारलं, कुछ पैसे लागले होते, बरे 2-3,000 रुपये आहे, मला क्या करू, कॉलेज के प्रिंसिपल बोलले तेव्हा मी गंडाकडे उनके पास गया, बस सर ऐसा ऐसा आंसर नहीं। चंद्रपुर जिले में प्रचुर मात्रा में भूमि पानी की उपलब्धता कृषि के लिए प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उचित उपयोग या सावधानी पूर्वक योजना के अभाव में हमारी कृषि प्रगति मुश्किल से ही हो पाती है। पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि इससे उबरने के लिए अब जिले में मिशन जय किसान को लागू किया जाएगा और इसके जरिए जिले के कृषि क्षेत्र का कायाकल्प करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा जिला कृषि के क्षेत्र में मॉडल बनेगा, इसकी आशा व्यक्त करते हुए पालक मंत्री मुनगंटीवार ने कहा कि मैं बलि राजा के कल्याण के लिए और कृषि से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए खुद को समर्पित करने जा रहा हूँ। इसमें कृषि विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों, किसान उत्पादक कंपनियों और किसानों के योगदान की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री अपने मन की बात में इस बात का उल्लेख करें, यह लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई किसान सफल होना चाहता है तो उसे सरकार और प्रशासन का सहयोग मिलना चाहिए। किसान अब आधुनिक तकनीकी और उत्पादक हो गए हैं, इसलिए भविष्य में प्रयासों को परिणत करते हुए उचित योजना बनानी चाहिए। कृषि विभाग प्रगतिशील किसान अन्य राज्यों के किसानों द्वारा चंद्रपुर का अनुकरण करने की पहल करें। हमारे पास प्रचुर मात्रा में जमीन और पानी है, लेकिन कृषि क्षेत्र पिछड़ गया है। पश्चिमी महाराष्ट्र में पानी कम है और शायद ही कोई जमीन है, लेकिन आधुनिकता के भरोसे पर उनकी कृषि बारहमासी हरी दिखती है। इसका अध्ययन करें और ठीक से योजना बनाएं। इसके लिए जिले के किसानों को CSR फंड से प्रशिक्षण के लिए भेजा जा सकता है। प्रगतिशील किसानों के साक्षात्कार जंगल और मनोगत को प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि अन्य किसानों को भी उनके अनुभव का लाभ मिल सके। मुनगंटीवार ने बताया कि कृषि महाविद्यालय के लिए प्रथम चरण के लिए 39 करोड़ रुपए
उपलब्ध कराए गए हैं। अप्रैल में 35 करोड़ मिलेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि कृषि महाविद्यालय आधुनिक तकनीक और तकनीकी पहलुओं से लैस होगा। अधिकारी सर्व शेतकरी उत्पादकांचे तांत्रिक उत्पादन क्षम आणि नफा कमवणारी शेती करण्याच्या दृष्टीने चिंतन करतात आणि यासाठी आपण या बैठकीचं आयोजन केलं। आता मी जेव्हा सादरीकरण झालं वाचायचे आताची आपली नवनीतचा प्रश्न झाला की आपण स्वतः काही गोष्टी डोळ्याने बघितल्या पाहिजे आणि म्हणून साधारणतः नेहमी चंद्रपुर जिले की मूल तहसील की महिला अघाड़ी तालुका प्रमुख रजनी ताई झाड़े ने नागरिकों की समस्याओं को लेकर निवेदन देने के लिए नगर परिषद मूल में धावा बोल दिया। उनके साथ सपना ताई राजगढ़े, मीरा बाई निमगढ़े, वंदे बाई खोबरागढ़े सहित कई महिला शव सैनिक मौजूद थी। वार्ड नंबर 2 में बुद्ध विहार के पास बोरवेल की हालत बहुत खराब है, इसे ठीक किया जाए और नगर परिषद ने बोरवेल की चेन और नीचे कॉन्क्रीट ब्लॉक पूरा नहीं किया है, इससे कई तरह की समस्याएं आएंगी। ऐसी अन्य समस्याओं का निवेदन लेकर सुनील काले, ओम देव मोहरले, प्रवीण भरतकर की उपस्थिति में येनुरकर को निवेदन दिया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि जल्द से जल्द अगर समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो शिवसेना स्टाइल में नगर परिषद पर आंदोलन किया जाएगा। प्लॅटफॉर्म बनवण्यासाठी माहिती आहे का झालेला नाही आहे आता 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 आम्ही टेंडर टाकलेले आहे कारण असं एक कोणी बनवणार नाही तर आता आमचं ते काम पूर्ण झालेलं आहे तुमचं ते लवकर काम करून देऊ आम्ही आता विदर्भातील सर्वोत्तम डिजिटल व्हिडिओ हिंदी दैनिक चॅनल पार्थशर यांचा 3rd वर्षामध्ये पदार्पण होत आहे। नेहमी न्याय हक्क आणि सामाजिक शैक्षणिक सर्व चळवळीतील बातम्या जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करत आहे अशा या पार्थशर समाचारास 3rd वर्षी वाटचाल करत असल्यामुळे मी रवींद्र शिंदे त्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा